बड़ी खबर टिकरी बॉर्डर से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक होनी है आज। बैठक में दिल्ली कूच पर हो सकता है बड़ा फैसला। मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान वर्ग। जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, संसद तक पैदल मार्च या दिल्ली मार्च का ऐलान कर सकता है किसान संयुक्त मोर्चा। भारतीय किसान यूनियन एकता डंकोत के प्रधान बूटा सिंह ने ये जानकारी दी है कि 6 जुलाई को पंजाब में मोती महल का भी घेराव करेंगे किसान। मोती महल पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का निवास स्थान है और मोती महल का घेराव करने के लिए किसान पहुंचेंगे। उसके पीछे कारण ये कि पंजाब में धान उत्पादक किसानों की बिजली सप्लाई कम हो गई है, जिससे किसानों में गुस्सा। हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ गए हैं इस खबर पर। प्रवीण, आज जो बैठक संयुक्त मोर्चा की होने वाली है, उसे लेकर क्या खास जानकारी आपके पास? मैंने संयुक्त मोर्चा के लगातार कंटिन्यूस सिटी बॉर्डर पे चलती है, लेकिन उनसे एजेंडा अलग अलग होता है। होने वाले इस विषय पर चल जाएगा। जो मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है, उस सत्र के दौरान किसान किस तरह की रणनीति अपनाए, दिल्ली कूच करने का इरादा भी हो सकता है। जिस तरीके से राकेश टिकैत बार बार कहते रहे कि संसद तक जाए ही किसानों की समस्या का इलाज होगा, ठीक उसी परिपाटी पर, क्योंकि आंदोलन में स्थिरता सी आ गई थी और आंदोलन किस तरह खत्म हो रही थी, संसद मार्च और संसद मार्च या दिल्ली मार्च कुछ दिनों में इसकी पूरी रूपरेखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता मिलेंगे और दिल्ली कूच को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।